हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने प्लांट लगाया था, टैरो प्लांट यानी कि अरबी का प्लांट। तो अब वो ग्रो हो चुका है और उसमें बहुत अच्छी लीव्स आ गई हैं, तो मैं दिखाऊंगी कि उसको हम काट के ले जाएंगे और कैसे उस पत्ते के पकौड़े बनाएंगे। सो हेयर इज़ द प्लांट। ये रहे, ये पत्ते इतने बड़े हो चुके हैं, इट इज़ बिगर देन माई हैंड ऑल्सो। Look at the leaves, they are so big now. All leaves are bigger than my hand. All leaves are bigger than my hand. Look at it. This is little. No, this is also bigger. ये देखो कितने बड़े leaves हो चुके हैं, मेरे हाथों से भी बहुत ही बड़े। सारी leaves मेरे हाथों से बड़ी हैं। तो अभी मैं इनको कट करूंगी और मैं ले जाऊंगी नीचे किचन में और बनाएंगे हम उसके पकोड़े। तो ये रही मेरी सीजर जिससे मैं पत्ती काटूंगी और ये रही बास्केट जिसमें मैं पत्तियां रखूंगी। इधर और तू एक काम कर, अब पी। सो ये रही मेरी सीजर और ये रहे लीव्स। Now let's cut them quickly. यहाँ पे लिया देती हूँ, यहाँ पे जाके मैं काट रही हूँ। वन सेकेंड। ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो हेयर वी हैव टोटल 11 लीव्स। अब हम नीचे जाएंगे और जाके इसके पकौड़े बनाएंगे उसके साथ, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो रेसिपी। ओके बाय, मिलते हैं नीचे। और अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और ये हैं वो पत्ते, इनको मैंने थोड़ा वॉश कर लिया है और ये मैंने रख लिया है वॉश करके। और ये है इसमें डालने के लिए बेसन और चावल का आटा, और ये हैं सारे मसाले जो इसमें डलेंगे। ये हैं सारे मसाले जो इसमें डलेंगे। ये है गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली, हल्दी, और ये है अजवाइन और सॉल्ट टू टेस्ट, और ये है बेसन और चावल का आटा। इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट बना के इन पत्तों पे लगाएंगे।
क्या है ये फिल्टर का? और साथ ही साथ ये बॉयल हो गया है वाटर, और इसके ऊपर रखना है ये स्टेनर इस तरह, और इसमें रख देनी है ये लीव्स जिसमें हमने बेसन लगाया था। ताकि नीचे से आएंगे वेपर्स और ये हो जाएंगे वेपर्स में थोड़े स्टीम ही हो जाएंगे, नीचे से आएगी स्टीम दो इसको और ये स्टीम से हो जाएंगे थोड़े कुक, और इनको स्टीम लगाना है, नीचे से आ रही स्टीम और इनको करना है स्टीम लगाने के बाद फ्राई, और इनको थोड़ी देर ढक देना है स्टीम के लिए उस तरफ। सो आफ्टर 10 मिनट्स वी आर बैक, और अब इसको चेक करना है कि ये थोड़े गले या नहीं गले। इसको चेक करने के लिए एक टूथपिक से इसको अंदर डाल के देख लें, अभी निकल टूथपिक इज क्लीन तो ये हो चुके हैं, लेकिन ये वाली टूथपिक में अभी बेसन आ रहा है तो ये नहीं हुए हैं। ये वाला हो गया, एक हो गया एक नहीं हुआ है, सो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। और जब तक पकौड़े स्टीम हो रहे हैं तब तक यहाँ पे बन रही है चाय। तो 5 मिनट बाद आने के बाद अब ये हो चुके हैं, क्योंकि इनका बेसन ऊपर आ गया है और ऐसे भी ये दिख रहे हैं कि ये हो गए हैं। नाउ टूथपिक इज क्लीन, तो अब ये बिल्कुल हो चुके हैं। अब टाइम है इनको फ्राई करने का कट करके, अब इनको काटना है। और अब ये ऑयल हो चुका है हीट, अब टाइम है इनको फ्राई करने का। तैयार हो चुके हैं, इनको हम खाएंगे सॉस से और चाय से। और ये था आज का व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल वानियाज़ व्लॉग।